हाँ नमस्कार, यूट्यूब चैनल निवाशा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने आ चुका हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि नारियल के पौधे के रुके हुए ग्रोथ को कैसे बनाए, तो गांव में शहर में हर जगह ऐसे समस्या आता है कि नारियल के पौधे लगाते हैं कुछ साल तक उसका ग्रोथ सही रहता है, उसके बाद पौधे का ग्रोथ रुक जाता है और बढ़ता भी नहीं है। ऐसा समस्या हर किसान के घर में आता है। और पौधे में फंगस होगा तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्या फंगस एक ऐसा चीज़ है जो कि पौधे को पूरा खराब कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पौधा हो फंगस हो पौधे को मार सकता है। मैं इतने दिन से चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो हाथ से गिर के टूट गया था, जिससे फिर से उसको सर्विस सेंटर से ठीक करवाया। ठीक करवाने के बाद वो क्या हुआ, फिर से उसका टच में काम नहीं कर रहा था। इसके बाद क्या हुआ, कई दिन महीनों तक उसका ट्राई किया कि मोबाइल ठीक हो जाएगा, तो फिर भी नहीं ठीक हुआ है। तो इसके बाद मैं एक नया फ़ोन ले लिया हूँ। मैं उसके बाद से अब आज का वीडियो का क्वालिटी भी सही होगा लगता है, तो पहले के मोबाइल के मुकाबले। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा मैंने एक खाद बनाया था जैविक DAP, आपको ये बात बहुत ही याद होगा क्योंकि ये वीडियो लगभग एक महीने तक चला, इसका पार्ट बनते बनते गया। तो उसके बाद अब फाइनली क्या हुआ, जैसे खाद है इसका पूरा फर्मेंटेशन हो गया, खाद बढ़िया बन चुका है। आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं खाद पूरा क्या है, नीचे का जो हम जो भी खाद इसमें डाले थे, इसमें जो ठोस पदार्थ थे वो नीचे आ गया है सड़ के, और जो पानी है ऊपर आ गया है। ये क्या होगा, ये लगभग आप जैसे इतना बना ये बहुत दिन तक यूज़ होगा, ये एक लीटर निकल के आप इसमें 3-4 लीटर पानी मिक्स करके डाल सकते हैं। ये अगर आप 1 लीटर डालते हैं तो लगभग 3 किलो DAP का काम करेगा। ये जैविक है इसलिए आप इसमें इसको आप ज़्यादा भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। करीबन मैंने यहाँ पर 1 लीटर उठा लिया है, इसको पानी में घोल देता हूँ। इसका आप देख सकते हैं कलर भी बहुत ही बढ़िया बना है, ये जैसे यहाँ पर लगभग 30-40 लीटर होगा। अगर आपका धीरे धीरे कहीं कम हो रहा है, इसमें दोबारा से पानी डालेंगे तो फिर से बनना चालू कर देगा, क्योंकि नीचे जैसे उसमें ठोस पदार्थ अभी भी है। तो इसको डाल देते हैं पौधे में। इस तरह का पौधे में अगर ग्रोथ नहीं होगा, आप कोई भी अगर रासायनिक खाद डालते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिसमें केचुआ आता है, ऐसे कई सारे चीज़ जो कि पौधे के बढ़वार के लिए सहायक होता है, जो कि पौधे के नाइट्रोजन की मात्रा को पूरी करता है। कि रासायनिक आप कोई भी खाद डालें, चाहे DAP हो या कुछ भी स्प्रे भी करते हैं रासायनिक, वो क्या होता है मिट्टी के जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। इसलिए आप पौधे में हमेशा कोशिश करें कि जैविक चीज़ ही डालें। क्या मैं जैविक खाद का तो ज़्यादा उपयोग करता ही नहीं हूँ मेरे वीडियो में, इसको डाल देता हूँ पौधे में। क्या खाद डालने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मिट्टी वहाँ का सूखा रहना चाहिए। अगर आप ऐसे जैविक खाद बना के डालते हैं तो घर में, तो उसमें क्या होगा, आप कोई भी खाद डालेंगे जैविक, मिट्टी को सूखा के डालना है। ये डाल दिया हूँ। तो क्या है, जैसे नारियल के पौधे में एक मेन समस्या रहता है, पौधे के जो पत्ती है इसके पीछे लग जाता है फंगस, जो कि एक वाइट फ्लाई टाइप का रहता है, पौधे के ऊपर काला कलर का लिक्विड स्प्रे कर देता है जिससे पौधा खराब हो जाता है। तो इस पौधे में वैसा तो रोग नहीं है, अगर वैसा रोग है तो आप एक हाथ डाल सकते हैं। ये जो है सनमुखा कंपनी का मोक्षा है, जो कि 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी रासायनिक चीज़ का उपयोग नहीं हुआ है। ये आप पौधे में स्प्रे कर सकते हैं जिससे आपके पौधे में कोई भी फंगस होगा ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें करीबन हमने 5 ml इसको इसमें डालना है, सनमुखा कंपनी का जो मोक्षा आता है। कि छेद थोड़ा इसका छोटा है इसलिए इसे निकल नहीं रहा है ज़्यादा, ये करीबन निकाल दिया है वो 5 ml। इसको क्या करेंगे, आप करीबन यहाँ पर 3 लीटर पानी है, 3-2 लीटर के आसपास आप पानी लीजिएगा, उसमें इसको डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। क्या ऐसा खाद का अगर आप कभी भी उपयोग करते हैं, हाथ में ग्लव्स जरूर से पहन लीजिएगा। क्या है कि ये छोटा सा एक बूंद भी आपके अगर शरीर में जाए तो आपको नुकसान कर सकता है, इसलिए हमेशा ग्लव्स जरूर पहन लेना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके पौधे में ऐसे पत्ते के ऊपर है तो पौधे में स्प्रे कर देना है, अगर पत्ते के ऊपर नहीं है हर 3-6 महीने में एक बार ऐसे पौधे के बीच से ऐसे डालना चाहिए खाद। खाद नहीं मतलब कोई भी कीटनाशक हो, जैविक हो रासायनिक हो, ऊपर से डाल सकते हैं। तो ऐसे अगर आप जैविक डालेंगे तो उससे तो पौधे के जो कोई भी नुकसान नहीं होगा, रासायनिक डालने से नुकसान तो होगा ही मिट्टी में। तो इस तरह से अगर आप पौधे में खाद डालेंगे तो आपका पौधा सही हो जाएगा। अगर पौधे में अगर कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसका
इलाज आपको बता दूंगा। एक भाई का कमेंट आया कि फंगस को कैसे ठीक करें, तो उसी विषय में आज मैं बना दिया। आपका भी अगर कोई कमेंट है, कोई भी समस्या है, उस विषय में मैं भी एक वीडियो बना दूंगा। क्या है, वो जो कमेंट आया तो मेरे पास बहुत दिन पहले आया था, जिससे मोबाइल टूट गया, उस कारण से जल्दी वीडियो बना नहीं पाया, तो थोड़ा लेट हो गया। अगर आपका भी लेट होता है तो, लेकिन आपका वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने का कोशिश करूंगा। तो जैसे हमारा वीडियो, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।